हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। किसका मैसेज आया? फिर से आया कुकु, ये बोल रहा है डायनासोर लगाओ। सो अभी ये सूखे उठाए, इसको देखो इसको एक्सप्रेशन। हाय शिवम, हाय डायनासोर, अदगो डायनासोर, डायनासोर। मैं सोचा कि घर में बोल रही हूँ कि आज थोड़ा स्पा करेंगे हेयर का, और उसी दौरान जो है ये सूखे उठ गया, तो इसकी सेवा में लग गई। मैं अभी उसको ब्रेकफास्ट खिलाया, दूध वूध दिया, सब कुछ हुआ, एंड अभी बेडशीट चेंज करनी है। तो मैं पहले जो है हेयर पैक हेयर स्पा करूँगी लॉरियल का, जो मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहे हैं, आपको भी लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि अब आपके बाल स्ट्रेट क्यों नहीं लग रहे हैं। तो स्ट्रेट लगने के लिए जो है प्रॉपर केयर लेना जरूरी है, और स्विमिंग बंद करना जरूरी है। तो स्विमिंग मैं बंद नहीं कर सकती बिकॉज मैं वेट लॉस की जो जर्नी कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड तो ये पैं कर रहा है कि उसको कुछ लगाना है, कुछ भी लगाओ टीवी में तो उसको वो पसंद नहीं आता, फिर और कुछ लगाने के लिए बोलता है। एंड ये नए कैमरा में मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही, क्योंकि इसका जो पॉपअप निकल के आता है उसमें देखना होता है, एंड जो मेरा पिछला फ़ोन था उसमें रेगुलर आदत से मजबूर हो जाते हैं। जैसे मैं उसी एंगल में देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ऐसे देख रही हूँ, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। तो इसको तो मैंने खिला दिया, अभी बेडशीट चेंज करना है, पहले मैं हेयर स्पा कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने बोला था कि स्विमिंग के बारे में बता रही थी और वेट लॉस के लिए, और बहुत लोगों ने बोला कि आपका काफ़ी वेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक वेट एक बार भी चेक नहीं किया, इसलिए मेरे को जो भी पूछ रहा है आपका वेट कितने से कितना हुआ है, तो कितना था वो तो मालूम है, लेकिन कितना हुआ है वो नहीं मालूम है। मेरा अभी यह है कि जब तक मेरा मनचाहा शेप नहीं आ जाता तब तक आई एम नॉट गोइंग टू चेक माई वेट। एंड एक और क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप जब वेट लॉस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी चीज़ों को क्विट कर दिया, लेकिन मैंने थोड़ी सी जो है कट शॉर्ट कुछ किया है, ताकि आपका बहुत ज़्यादा हैवी ना हो पाए जो भी है। जैसे आपकी आदत होती है टी एक बार सुबह पीने की, एक बार उसके बाद ब्रेकफास्ट खाने के बाद में पीने की, तो मेरा यह है कि साउंड लगा दिया, तो मैं सुबह जो है उठते के साथ तो मुझे टी चाहिए, तो वो मैं स्किप नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय होती है उसको मैंने दूसरे एक सप्लीमेंट के साथ चेंज कर दिया है, ताकि मेरा जो है पेट भी, मैं ब्रेकफास्ट भी कम खाऊं उसकी वजह से, एंड मेरा पेट भी फुल रहे और पूरी एनर्जी रहे। तो वो कौन सा ड्रिंक है मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी पीना है, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने पिया नहीं, एक्चुअली हस्बैंड के जाती मैं पीने वाली थी, लेकिन बीच में ये उठ गया। जब आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो जो भी आपकी प्लानिंग होती है सब चौपट हो जाती है, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन योर डाइट अलॉन्ग विथ किड्स, क्योंकि जो आप सोचते हो वो टाइम पे हो नहीं पाता है। बट इट इज़ ओनली अबाउट ड्रिंक, जो मैं सुबह एक टाइम ही पी रही हूँ, दो टाइम नहीं पी रही हूँ। एंड चाहे तो आप दो टाइम भी पी सकते हो, वर्कआउट जब आप कर लेते हो, लेट इट बी एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, चाहे जिम का वर्कआउट हो गया या स्विमिंग का वर्कआउट हो गया, तब भी आप ले सकते हो ये। लेकिन स्विमिंग से आने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है, तब मेरे को इतना लिक्विड का मन नहीं करता है, लेकिन जिस दिन भूख कम लगती है उस दिन मैं शाम के टाइम पे भी ये ड्रिंक ले लेती हूँ। इसका जो भी रोना धोना है उसको बंद कराते दुखी होता जा रहा है ये। चलिए, सो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है ओजीवा। एंड आपने देखा होगा कि जो भी ड्रिंक्स होते हैं, जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, सारे जेंट्स के लिए आए हुए हैं अभी तक, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट वन विच इज़ प्योरली डेडिकेटेड फॉर वुमेन। सो ये है प्रोटीन एंड हर्ब फॉर वुमेन स्पेसिफिकली, जिसमें देख रहे हैं आप सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। हम चाहे अंडा खाएं या कुछ और चीज़ें खाएं, हमको खाने की चीज़ों से उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम रेगुलरली नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप रेगुलरली बहुत ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इसका टेस्ट भी बहुत ऑसम है। तो ये मैंने जो ऑर्डर किया है वो है चॉकलेट फ्लेवर में। एंड अनदर थिंग टू ऑर्डर दिस प्रोटीन एंड हर्ब्स वाला डब्बा ओजीवा का, वो ये है बिकॉज मैं वेट लॉस की जर्नी में ऑलरेडी हूँ, तो आई वॉज लाइक कि मेरे को जो भी लेना है वो वेट लॉस में वो काम आना चाहिए। तो देखिए ये क्या क्या इफेक्ट आपको देता है। बॉडी टोनिंग करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, एंड स्किन एंड हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। शुगर नहीं है, अगर आपकी डाइट में शुगर कम है तो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वो। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें यहाँ पे, जो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए ओवरऑल काफ़ी यूजफुल होंगे, तो आप एक बार पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं कितना कितना क्या है। एंड देखिए इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट मेक्स इट इवन बेटर और गुड,
तो यहाँ पे सब कुछ एकदम डिटेल में लिखा हुआ है कि स्किन के लिए, हेयर के लिए कैसे ये यूज़फुल है, मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाता है, हार्मोनल बैलेंस को कैसे ब्लेंड करता है, एंड क्लीन प्रोटीन ब्लेंड कैसे होता है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. सो यू कैन जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली लव. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं. एंड इसको पीना कैसे है, अब आपको इसको लेना कैसे है, वो भी इस पर क्लियरली प्रोसेस दिया हुआ है. ये देखिए, एक स्कूप लेना है 200 ml वाटर में या मिल्क में. मैं मिल्क में लूँगी क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं और आपको पेट थोड़ा भरा भरा चाहिए और जल्दी भूख ना लगे, अगर ये चाहते हैं तो आप मिल्क के साथ लेंगे तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. या अदरवाइज आप पानी के साथ भी ले सकते हैं. बस टेस्ट का है, यहाँ पे टेस्ट तो वैसे भी अच्छा लगता है लेकिन हमको इम्प्रूव टेस्ट चाहिए तो मिल्क ऐड कर सकते हैं. स्टेप टू, शेक वेल एंड यूज़ अ ब्लेंडर टू मिक्स इट. तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं या अदरवाइज आपको ऐसी एक बॉटल अगर आपके पास कोई है तो उसमें डाल के भी शेक कर सकते हैं, और चॉइस इज योर्स. एंड उसके बाद आप अपने ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं. तो मैं कैसे इसको रोज लेती हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. तो अगर आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद आप ज़्यादा भी थोड़ा पाउडर डाल सकते हैं. अगर आपने वर्कआउट के बिना सुबह सुबह ले रहे हैं तो आप आधा स्कूप लेंगे तो काफ़ी है. तो देखिए मैंने इतना लिया है एंड बोरोसिल ग्लास में डाल दिया है मैंने इसको. आप अगर ठंडा पीना चाहते हैं तो ठंडा भी पी सकते हैं, गर्म पीना चाहते हैं तो आप इसमें मिक्स करके इसको माइक्रोवेव में रख देंगे, तब भी यू कैन कंज्यूम इट. एंड आपको इसमें शुगर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो ये देखिए मेरा शेक रेडी है, जिसको मैंने दो ग्लास में फेंट के माइक्रोवेव में रख के गर्म कर लिया है. तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहे वैसे पी सकते हैं. एंड लेट मी एन्जॉय दिस ड्रिंक. इसमें शुगर भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगता है. एंड अगर आपको चॉकलेटी फीलिंग थोड़ी और थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो आप ओजीवा का ये जो पाउडर है उसको थोड़ा और भी मिला सकते हैं. So I am enjoying it, and if you also want to tone your body and you are looking for some supplement of protein and herbs, then you can definitely go for this. So all the details regarding this I have given in the description box. तो ज़रूर जाके देखिएगा. एंड जो भी चाहते हैं वेट रिडक्शन करना अपना सीरियसली, ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके इम्प्लीमेंट कीजिएगा. यहाँ पे मैं अभी हेयर स्पा भी करने वाली हूँ क्योंकि मेरा ड्रिंक तो मैं पी चुकी हूँ, और इसके बाद घर का बाकी थोड़ा बहुत काम करूँगी. तो ये लॉरियल वाला हमेशा जो मैं लगाती हूँ. एंड एसेंशियल ऑयल जो है यू कैन कीप ऑन चेंजिंग, तो मैं हमेशा अलग अलग डालती रहती हूँ. तो इससे पहले मैंने गुड वाइब्स यूज़ किया था, अभी मैं अरोमा मैजिक का यूज़ कर रही हूँ. एंड ये आके मेरी अभी जो है DIY बनाने वाला है लगता है. तो पहले आपको इसमें 5-6 ड्रॉप डाल लेने हैं. एंड ये अरोमा मैजिक का लैवेंडर वाला है, यू कैन सी. तो मेरे को अंदाज़ा है कि कितना डालना होता है. देखिए ये भी काफ़ी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मेरे हेयर काफ़ी सॉफ्ट एंड और ज़्यादा स्ट्रेट एंड नरिश लगते हैं, सिल्की हो जाते हैं. इतना करूँगी, स्मेल इसकी इतनी अच्छी है ना कि क्या बताऊँ. इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. क्रीम पूरी तरह लगा चुकी हूँ, और एक अच्छी तरह स्लोली जो है मसाज देने हैं ताकि ये जो भी आपको क्रीम अभी दिख रही है वो पूरी एब्जॉर्ब होके आपके स्कैल्प के अंदर घुस जाए.
एंड उसके बाद आपको थोड़ी सी स्टीम देनी है। स्टीम आप बस एक टर्की टावल को जो है माइक्रोवेव में गीला करके रखिए थोड़ा सा निचोड़ के, एंड उसके बाद जो उसमें धुआं आता है उसको 5-6 बारी लगा लीजिए, तो स्टीम जो है सफिशेंट हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपको इसको आधा घंटा रखना है, काफ़ी है। योर स्पा विल बी डन एंड यू विल गेट अमेजिंग शाइनी हेयर। अभी देखो कैसी हालत हो गई है, वरी अगर हम गंजे हो जाते हैं तो कैसे लगेंगे गंजे। कभी कभी मेरा गंजे होने का मन करता है, ये देखो चुका के। ये भी एक अलग सा लुक आ रहा है, गंजे वाले लुक। तो आपको मसाज जो है बहुत ही सॉफ्ट हैंडों से देनी है, बोले हैंड से देनी है बिकॉज एक मिनट हाँ। तो आपको मसाज जो है बहुत ही सॉफ्ट हैंड से देनी है, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ रगड़ा पट्टी करोगे तो आपके बाल टूट जाएंगे, इसलिए जस्ट जेंटली विथ लिटिल प्रेशर। सो डिलीवरी एंड अबॉर्शन के बाद जो है मेरा बहुत हेयर फॉल हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रंट में बाल बहुत कम रहते हैं। पहले और भी ज़्यादा गंजी टाइप थी, अभी तो फिर भी ठीक है। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि स्ट्रेटनिंग के बाद हेयर फॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो जेन्युइनली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ एकदम ऑल राइट है जब तक मैंने स्विमिंग नहीं करी थी। लेकिन स्विमिंग के बाद जो है मेरा हेयर फॉल धीरे धीरे शुरू हुआ, और उसके बाद जब मैं स्पा लेती थी फिर कंट्रोल हो जाता था, एंड जब मैं नेग्लेक्ट कर देती थी तो फिर शुरू हो जाता था। एंड अभी मैंने बहुत दिन हो गए स्पा नहीं लिया था, एंड मेरे को लग रहा था कि थोड़े बहुत बाल टूट रहे हैं, तो दैट्स वाई मैंने आज जो है थोड़ा टाइम निकाल के स्पा इसलिए मैं कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर केयर लेते हैं, शैम्पू कंडीशनर जो भी मैं यूज़ करती हूँ, शैम्पू लॉरियल का, कंडीशनर लॉरियल का, एंड सीरम लॉरियल का, एंड दिस स्पा ऑल्सो, ये रिपेयर एंड डैमेज वाला स्पा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्मूथनिंग के लिए भी एक स्पा आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उससे आपके बाल जो है मेंटेन रहते हैं। तो मेरे को टाइम नहीं मिला था इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आप स्ट्रेटनिंग कराने के बाद कंप्लीट ध्यान रखते हैं, अगर स्विमिंग नहीं करते तो अब तो आपको आपके बालों को कुछ नहीं होगा, एंड प्रॉपर शैम्पू कंडीशनिंग सीरम तो लगाना ही है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं केयर लेंगे तो कैसे भी आपके बाल तो झड़ेंगे ही, फिर चाहे आप स्ट्रेटनिंग कराएं या नहीं कराएं। उसके बाद देखिए अब पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, अब बस मैं स्टीम दूंगी, रुमाल लगा के थोड़ी देर कर दूंगी, बस उसके बाद 20 मिनट रख के नहा लेंगे अपन। तो देखिए स्टीमिंग के लिए मैंने ये गरम कर लिया है, धुएं निकल रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, धुएं तो निकल रहे हैं, तो ज़्यादा बातें करूँगी तो पहले ही ठंडा हो जाएगा। तो जितना आप बेयर कर सकते हैं उतना गर्म आप लगा सकते हैं। बस कवर होना चाहिए, तो ये प्रोसेस जो है आपने 5-6 बार कर लेनी, काफ़ी अभी हीट आ रही है। सो अभी इसके बाद काम शुरू करेंगे, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो स्पा के बाद घर का काम मतलब बाकी सब हो गया, क्योंकि अभिषेक लेट उठा था, इसलिए जो बेड सही करना होता है ये जो है बहुत मई होता है, कभी कभी आड़ा टेढ़ा निकलता है तो मुझे और आड़ा टेढ़ा बनाने का मन करता है। तो पिलो कवर्स पहले निकाल दिए मैंने, एंड जब भी आपको कोई स्पावा या मेहंदी वेहंदी जो भी लगाते हैं आप अपने हेयर में या कुछ भी, वो काम करने से पहले लगा लेंगे और उसके बाद काम करेंगे ना, आपको स्पेसिफिकली बैठना नहीं पड़ेगा। और मैं जो है हर हफ्ते गद्दा कभी लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन ऐसे घुमाते रहती हूँ, ताकि उसमें जो है एक साइड को ढलान ना आए करके। तो मेरा बेडरूम अभी सेट हो चुका है, एंड सुबह सुबह ही मैंने आदित्य को भेजने से पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे जो हो चुके हैं। तो बस ये कुछ आधे घंटे का काम बच गया है मान लीजिए नहाने से पहले, अगर अभिषेक तो उठा नहीं होता तो ये पहले ही उठ जाता, और मैं नहाने के बाद सुखा रही होती हूँ, नहाने से पहले सुखा रही हूँ। सो बेड भी ठीक हो गया, स्पा का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, एंड कपड़े भी सूख गए। तो जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, एंड घर साफ़ सुथरा हो, हम साफ़ सुथरे हों और टाइम पे रेडी हो जाए ना तो पूरा दिन प्रोडक्टिवली जाता है।
एंड अभी मैं नहा चुकी हूँ और रात को जो है मैं सारी ज्वेलरी है वो निकाल देती हूँ, क्योंकि किसी न किसी एंगल में चुभती रहती है, बच्चे फिर सोते हैं, कभी कभी लात सोते सोते अभिषेक इधर मारता है, कभी उधर मारता है, कभी आदित्य जो है अभिषेक के ऊपर चढ़ जाता है, तो रात को थोड़ी चौकीदारी, थोड़ी नींद, ये सब चलता ही रहता है। इसलिए मैंने बोला कौन किसके मुंह पे उठा के मारेगा करके मैं पहले निकाल देती हूँ। एंड ये रहा लॉरियल का सीरम, तो इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अगर लेना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे सीरम कौन सा है, सीरम कौन सा है, तो मैंने बता दिया। एंड सीरम को आपको स्कैल्प में नहीं लगाना होता है, ओनली बालों बालों में लगाना होता है। इससे लगाने से क्या होता है, आपके बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं एंड रफनेस बिल्कुल नहीं रहती है। सो थोड़ा बहुत जो जनरल चीज़ें होती हैं थोपड़े पे लगाने वाली वो लगा रही हूँ। ये पामर का ऑयल है जो आपके फेस के स्कार्स वार्स को भी अच्छी तरह हटा देता है एंड बहुत ही अच्छी तरह मॉइस्चराइज भी करता है। तो ये मैं रात को सोने से पहले भी लगाती हूँ और नहाने के बाद भी लगाती हूँ, और उसके बाद बस पाउडर, और कुछ नहीं होता है मेरे डेली रूटीन में, बस यही होता है। एंड और क्या, बस अभी चलिए थोड़ा रेडी होने के बाद आप लोगों से मिल देती हूँ। और ये जो ये SQ का काजल है बैड एस का, तो इसी से मैं बिंदी भी लगा लेती हूँ एंड काजल A to Z सब कुछ इसी से कर लेती हूँ। हेलो, सो नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ और आपने देख लिया मेरा पूरा रूटीन। तो एवरीडे में मैं ऐसे ही मेकअप क्या होता है, ये तो सबको ही करता है, एक क्रीम एक पाउडर लगाना होता है एंड थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल रहने के लिए थोड़ा सा काजल एंड लिपस्टिक। अगर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मैं काजल लिपस्टिक भी नहीं लगाती हूँ, आप लोग ही बोलते हैं कि लगाया है करो। एंड मेरे लिप्स जो है बहुत पहले से ही ऐसे नीचे के जो है क्या बोलते हैं बहुत ही फेडेड रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन जैसे मैं ज़्यादा जब पानी नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी, कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल पानी एक पूरे दिन में एक ग्लास भी नहीं पीते, और कभी कभी तो बहुत सारे लोटे पूरे पेट में उड़ेल देते हैं, तो कुछ दम जब बीच बीच में मैं पानी प्रॉपरली नहीं पीती हूँ तब मेरे जो है होंठ और ज़्यादा वाइट से हो जाते हैं, अदरवाइज जो है ठीक ठाक ही रहते, थोड़े पिंकिश ही रहते हैं। तो केयर के ऊपर भी होता है ना, कभी कभी नहीं लेते हैं क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, किस किस चीज़ को ध्यान रखें। तो जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आप हमेशा लिंक्स मांगते रहते, तो मैं कोशिश करूँगी कि इनके लिंक्स भी दे दूँ जो भी आज मैंने आपको इस वीडियो में जो जो बताया है, क्योंकि पॉइंट ये होता है ना, अगर मैं बोलती हूँ लिंक्स दे रही हूँ तो लोग सोचते हैं स्पॉन्सर्ड ही है, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक कि मैं आपको जो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में फिर पूछना शुरू करते प्लीज़ उसका लिंक दे दो, तो हर एक को फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिंक भेज नहीं सकती हूँ, एक आध को फिर भी भेज दूँ, मैं कभी कभी भेज देती हूँ, लेकिन हर एक को भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ भैया थोड़ी सी मेहनत और करके लिंक्स ढूंढ के लगा देते हैं, तो जो लिंक्स हैं वो भी ढूंढ ढूंढ के लगाने पड़ते हैं, वो आइटम भी फटाफट मिलना चाहिए ना उसका नाम। कभी कभी जो है एक ब्रांड के बहुत सारे आइटम्स होते हैं, फिर उसका स्पेसिफिकली नाम नंबर सब डालना पड़ता है तब वो आता है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लूँगी मैं आपके लिए। और लॉरियल का अभी मैंने सीरम भी लगाया था जैसे कि आपने देखा, तो अभी बाल गिले हैं बट आई कैन फील द हैवीनेस, जो जब आपके हेयर थोड़े प्रॉपर केयर ना लेने की वजह से जब थोड़े ड्राई हो जाते हैं ना तो ऐसे भारी नहीं रहते हैं, अगर आप ऐसे करके ऐसे छोड़ोगे तो वो स्ट्रेट नहीं गिरेंगे, बीच में वो फ्रिल्स आ जाएगी, लेकिन अभी बाल ऐसे हो रखे हैं, अगर सूख भी जाएंगे तो भी ऐसे रहेंगे, अभी ऐसा नहीं कि गीले हैं, इसलिए मैक्सिमम सूख चुके हैं, थोड़ा बहुत सा जो है गीला है, तो सूख भी जाएंगे तब भी वो एकदम स्ट्रेट ही रहेंगे, बिल्कुल भी कर्ली नहीं होंगे। तो स्पा का यही फ़ायदा होता है कि शाइनी हो जाते, देखो अभी बाल में एक शाइन है, थोड़े सूख जाए उसके बाद तो आपको पता लगेगा। तो इसलिए मैं हमेशा ठानती हूँ दिमाग में कि भैया अब ना हमको मेरे को एक हफ्ते में एक बार तो पक्का करना है, नहीं तो दो हफ्ते में एक बार करना है, लेकिन महीनों निकल जाते हैं, तो लापरवाही करने से जो है चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है। और अभिषेक जो है सो रहा है, कपड़े भी फोल्ड कर लिए हैं एंड अभी बाल देखिए सूख गए हैं काफ़ी,
काफ़ी किया, मैक्सिमम सूख गए, थोड़े ठंडे ठंडे हैं खाली, एंड अभिषेक सो के अभी तक उठा नहीं है, एंड काम सारे समाप्त, तो वीडियो भी समाप्त कर देते हैं, काम भी समाप्त हो गया। तो जो भी है सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। मैंने अपने वेट लॉस का जो आप पूछ रहे थे क्या है वो भी बता दिया, जिसके लिए मैं जो भी सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ एंड जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर चिपका दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा घंटी बजा के। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।